चिउटाहरा में जीवन उजाला समिति के सौजन्य से सातवें विशाल फुटबॉल टूर्नामेंट का युवा कल्याण अधिकारी सुल्तान सिंह ने फीता काटकर किया उद्घाटन। आज गुरुवार को लालगंज तहसील क्षेत्र के चिउटाहरा में जीवन उजाला समिति के सौजन्य से सातवें विशाल फुटबॉल टूर्नामेंट का जिला युवा कल्याण अधिकारी सुल्तान सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सुदूर क्षेत्र में जिस प्रकार फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है वो बेमिसाल है। उन्होंने कहा इससे क्षेत्र के फुटबॉल खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा तथा यह आयोजन उन्हें प्रतिभा निखारने में सहायक होगा। उन्होंने कहा उनकी इच्छा है कि फुटबॉल को भी क्षेत्रीय खेल आयोजनों में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त किया। जीवन उजाला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि 7 वर्ष से फुटबॉल टूर्नामेंट का यहां आयोजन किया जाता है जिसमें निकट के कई जिले की बेहतरीन टीमें प्रतिभाग करती हैं। उन्होंने बताया इसमें टीडी कॉलेज जौनपुर, मुनारी वाराणसी, बनगांव, मुबारकपुर, नाथपुर, केराकत, मिर्जापुर, खरका, खरियानी, सुल्तानीपुर, नई सीवान, श्वेता का पूरा, नवयुवक मंगल दल और जीवन उजाला स्पोर्टिंग क्लब चिउटाहरा समेत कुल 16 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। आज खेले गए पहले मैच में नवयुवक मंगल दल चिउटाहरा की टीम ने श्वेता का पूरा की टीम को 2-0 से पराजित कर दिया। इसके बाद खेले गए मैच में केराकत की टीम ने नाथपुर को 1-0 से पराजित करते हुए जीत दर्ज की। तीसरे मैच में सुल्तानीपुर ने नई सीवान की टीम को 2-0 से पराजित कर दिया। अमित वर्मा, भरत सैनी और शैलेश सिंह जैसे बेहतरीन अंपायर टूर्नामेंट की अंपायरिंग कर रहे हैं जबकि कमेंटेटर का दायित्व हैप्पी यादव के कंधों पर है। इस मौके पर फुटबॉल संघ के सचिव सिराज अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरी फैजान अहमद एडवोकेट, विनय सिंह पिंटू, सुनील प्रजापति, संजय यादव, राजेश मौर्य, डॉक्टर उमेश यादव, देवेंद्र प्रताप सिंह सन्नू, बाला यादव, अभिमन्यु यादव, तेज बहादुर यादव गुल्लू, जितेंद्र सिंह झिनकू, होरीलाल यादव आदि मौजूद रहे। ये फुटबॉल का टूर्नामेंट कब से होता है और इसका उद्देश्य क्या है? जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि विगत कई वर्षों से आप लोग भी इसका कवरेज कर रहे हैं। ये हम लोगों ने 2016 से शुरू किया और ये ग्राउंड जो ये चिउटाहरा मिनी स्टेडियम है ये काफ़ी उबड़ खाबड़ और काफ़ी जंगली घासों से आच्छादित था। तो इसके हम लोग चूँकि यहाँ की जो कमेटी है वह कोई भी पेशेवर खिलाड़ी इसमें नहीं है, सिर्फ लोगों की सामाजिक सोच इनको इस रास्ते पर ले आई है। तो इन लोगों का मकसद रहा कि इस ग्राउंड में कोई ऐसा खेल शुरू किया जाए जो ग्राउंड के हिसाब से भी हो, तो इसलिए हम लोगों ने फुटबॉल का चयन कर लिया। हालांकि फुटबॉल पूर्वांचल में काफ़ी पिछड़ा हुआ खेल है लेकिन काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी ऊर्जा वाला और काफ़ी उनको शारीरिक शक्ति देने वाला खेल है। इस लिहाज से हम लोगों ने फुटबॉल डाला और यह विगत 6-7 वर्षों से ये 7वां आयोजन हो रहा है जो काफ़ी अपनी ऊंचाइयों पर बढ़ता जा रहा है। विगत वर्षों से 2-3 वर्षों से 16 टीमों का ये टूर्नामेंट चल रहा है और इस बार भी 16 टीमें आई हैं जो विभिन्न 4 जनपदों से जुड़ी हुई हैं और इसका फाइनल मुकाबला 3 तारीख को 2 बजे होगा। इसका उद्देश्य क्या है आपका? यहाँ लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, वॉलीबॉल के दीवाने हैं, आप फुटबॉल को लेके यहाँ दीवानगी पैदा करना चाहते हैं या कुछ अलग करना चाहते हैं, इसी उद्देश्य के? जैसा कि मैंने बताया कि यह ग्राउंड जो है काफी उबड़ खाबड़ था और इसमें काफी घासें थी तो उसको देखते हुए हम लोगों ने तो फुटबॉल तय कर लिया। लेकिन मैं आपको इस ग्राउंड की उपलब्धि बता रहा हूँ कि अभी 6 वर्षों से ही यहाँ पे फुटबॉल खेला जा रहा है और उस दरमियान न तो यहाँ पे कोई कोच है न तो कोई प्रशिक्षित खिलाड़ी है। लेकिन हमारे बच्चे अभी अभी इस साल आदित्य विश्वकर्मा नाम का खिलाड़ी अयोध्या हॉस्टल में सेलेक्ट हुआ जो यह समिति के लिए, इस क्षेत्र के लिए काफी ऊर्जा और काफी मनोबल बढ़ाने वाला है। यानी यहाँ से बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये आप लोगों के लिए काफी खुशी की बात है। और दूसरी बात कि ये कमेटी जो व्यवसायी लोगों की कमेटी है जिनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि हम लोग अपने कमाई का कुछ अंश खर्च करके समाज सेवा में, जिन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, समाज में ऐसी जो भी जरूरतें हैं उनकी पूरी करने के लिए अपना सहयोग देते हैं, उसके नजरिए से लगता है कि इनका जो सकारात्मक और पॉजिटिव सहयोग है उससे इन बच्चों को काफी बल मिल रहा है और ये भी अपने कला कौशल के बल पर इस समिति का मनोबल बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार कुछ सुविधा दे या सुविधा मिल रही है आपको? ये मिनी स्टेडियम है, इसकी और अच्छे के लिए क्या आह्वान करेंगे सरकार से या जनप्रतिनिधियों से,
कोई कुछ मांग करे। हाँ सर जी, हमने विगत कई वर्षों से जब हम लोग आते हैं इस ग्राउंड पे और जब बच्चे फावड़े चला करके इस ग्राउंड की मरम्मत करते हैं या जब कमेटी ट्रैक्टर चलवा करके इसका मरम्मत करती है तो हम कई बार वीडियो डाल देते हैं। हालांकि इस बार अभी हम अभी ग्राउंड पे हमारे युवा कल्याण डीओ साहब आने वाले हैं और अभी वीडियो डाला था हमने तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा वीडियो मत डाला करिए, इससे हम लोगों की बड़ी खिंचाई होती है। लेकिन मैं इस उद्देश्य से नहीं, मेरा एक सकारात्मक उद्देश्य है कि अगर सरकार युवा कल्याण के लिए पैसे खर्च करती है, खेल के लिए पैसे खर्च करती है, इतने बड़े स्टेडियम बनाने के लिए पैसे खर्च करती है तो आखिर जब ग्राउंड की मरम्मत नहीं होगी और बच्चों को खेल संसाधन नहीं मिलेंगे तो ये किस तरह से अपना मनोबल बढ़ाएंगे, किस तरह से कला कौशल बढ़ाएंगे और किस तरह से देश का नाम रोशन करेंगे। क्या सरकार खेल के लिए काफी बढ़ावा देने के लिए काफी तो काम करती है लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं पहुँच पाता? फिलहाल मैं शिकायत के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, असलियत के तौर पर कह रहा हूँ कि धरातल पे वो चीज हमको देखने को नहीं मिलती है, लोगों को देखने को नहीं मिलती है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया ऐसी विसंगतियों को दूर करने के लिए आप अपना प्रयास करें। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जीवन उजाला समिति के तत्वाधान में ग्रामीण स्टेडियम चौकारा में फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है, बड़े हर्ष का विषय है। इसमें मुझे भी समिति के सदस्यों द्वारा जो है एक तरह से निमंत्रण कार्ड आमंत्रित किया गया कि यहाँ पे आइए आप और देखिए। मुझे उद्घाटन के लिए तो नहीं कहा गया था, एक शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन मेरा ही सौभाग्य लगता है कि मुझे उद्घाटन करना था। बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे आज इस मैच का उद्घाटन करते हुए, क्योंकि इससे पहले मैं भी फुटबॉल खेलता था। जब आपके बगल के जनपद देवरिया में आया था 94 में, तब जो है हम लोगों ने एक टीम बनाई थी और उस टीम के माध्यम से हम लोग जगह जगह जनपद मऊ या बलिया दत्तरा रोड वगैरह यहाँ सब खेलने संडे के दिन हम लोग रखा करते थे। मैं तो संडे में जाया करते, यहाँ तक कि बगल में गोपालगंज पड़ता था वहाँ भी जाते थे हम लोग खेलने। और टीम हमारी जो है बहुत अच्छी सशक्त टीम थी, जीते भी थे हम लोग। तो इसी के साथ मैं आज यहाँ पे जो भी आयोजन समिति के हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेश यादव, उपाध्यक्ष विनय सिंह उर्फ पिंटू जी, कोषाध्यक्ष सुनील प्रजापति, संजय यादव महामंत्री जी, राजेश बौरा सचिव, मीडिया प्रभारी हमारे उमेश यादव, देवेंद्र प्रताप सिंह उप महामंत्री और बाला यादव प्रचार मंत्री और प्रभारी व्यवस्थापक अभिमन्यु यादव और देवेंद्र प्रताप सिंह और प्रसन्न और उमेश यादव मीडिया प्रभारी, तेज बहादुर यादव सह व्यवस्थापक और जितेंद्र सिंह जिनको अतिरिक्त प्रभारी और हमारे संयुक्त मंत्री भोरीलाल यादव जी, ये विशेषकर मगर यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया है, की सोच है कि हमारे क्षेत्र के युवा आगे बढ़े और उसके लिए उन्होंने जो है ये हमारा ग्रामीण स्टेडियम चुना, इसकी उपयोगिता बढ़ाई और बच्चों को बढ़ाने के लिए मतलब उन्होंने एक अवसर करने का दिया मौका दिया। मैं चाहता हूँ कि समिति के सदस्य लोग आगे भी अपने कमेटी के माध्यम से इस तरह के आयोजन कराते रहें और आगे बढ़े। आगे मैं ये भी कमेटी से अनुरोध करना चाहता हूँ और हमारे सचिव जी बैठे हुए हैं मौके पर हमारे फुटबॉल समिति के जिला सचिव, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आगे से अगर मतलब फुटबॉल मैच आप लोग हमारे जनपद की जो ग्रामीण खेल प्रतियोगिता है उन्हें शामिल कराना चाहते हैं तो कम से कम 3-4 लाख रुपए आप लोग इनको आयोजन कराएंगे, जिससे कि हम लोग जिले में भी अपनी समिति के माध्यम से वहां भी इनको रखेंगे और आगे से हमारे जो है खेल आयोजनों में फुटबॉल का गेम भी शामिल कर लिया जाए और हमारे जनपद का नाम आगे भी रोशन हो, यहाँ से मंडल जोन स्तर और राज्य स्तर। तो इसलिए मैं उसे पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ, इसको विशेष ध्यान देंगे और खिलाड़ियों से भी मेरा अनुरोध है कि वो आगे बढ़ चढ़ करके खेलें। फुटबॉल मैच जो है बहुत ही अच्छा, अभी तक हमारा नॉर्थ ईस्ट ही आगे आ रहा है तो हमें यहाँ से हम क्यों नहीं जा सकते,
हमारे लिए खिलाड़ियों का चयन आगे होना चाहिए। अगर ये जज्बा है हमारे पे, हमारे ऑफिशियल लोग ये सब लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, तो निश्चित तौर पे आप प्रत्येक वर्ष जो है किसी न किसी का सिलेक्शन यहाँ से जनता से होना चाहिए, जिसके लिए मैं जो भी मुझे हो सकेगा इस स्टेडियम के लिए अभी हमें प्रस्ताव भेजा था, उसके लिए पैसा धनराशि द्वारा स्वीकृत हुई है, तो थोड़ा सा इसका और उनके मुँह से हो जाएगा, तो जो भी सुविधा होगी सामान वगैरह लाना हो, जैसे मैं नेट देख रहा हूँ एक तरफ नेट नहीं है या है थोड़ा सा हल्का है, तो चाहूंगा कि नेट का भी प्रावधान रखा जाए यहाँ पे और फुटबॉल का भी रखा जाए, तो ये भी मैं जो हमारी इंजीनियर कमेटी जो बनाएगी इसके स्टेडियम को उनसे भी मैं अपेक्षा करूंगा कि वो लोग जो है इसको मुहैया कराएंगे और बेहतर मैदान बना करके देंगे ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़े, और इसी के साथ मैं पुनः कमेटी को धन्यवाद करते हुए अपनी गाड़ी को प्रणाम देना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।